हाय एवरीवन, वेलकम टू ओरेकल। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीते 7 मई की एक दुखद घटना में, जिसमें विजाग के एलजी पॉलीमर में एक गैस लीकेज हुई। आखिर इस एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में ऐसी घटना हुई क्यों और वो कौन सी टॉक्सिक गैस थी जिसने 11 लोगों की जान ले ली, इस विषय पे करंट सिनेरियो क्या है और गवर्नमेंट ने अभी तक इसमें क्या इन्वेस्टिगेट किया है, एंड मच मोर टू डिस्कस। सो लेट्स बिगिन। ये आर्टिकल 7 मई 2020 के द हिंदू से है और इसमें साउथ कोरियन कंपनी के एलजी पॉलीमर की वो फैक्ट्री है जहां पे ये गैस लीकेज हुआ। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सो बेसिकली हुआ ये कि 7 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट एरिया गोपालापट्टनम में साउथ कोरियन केमिकल प्लांट से करीबन 1 AM से 4 AM के बीच, जिसे लोग वी आवर्स भी कहते हैं, स्टायरीन गैस का लीकेज होने लगा। इस लीकेज का असर आसपास के 5 गांवों तक यानी ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर तक था। गैस लीकेज का असर इतना भयानक था कि आसपास के सभी लोग, पशु पक्षी बेहोश होने लगे और इस घटना की काफी मार्मिक दिश सामने आई। गैस का असर इतना भयानक था कि 11 लोगों की मौत भी हो गई। इस घटना के बाद 1000 लोगों को उस एरिया से निकालकर नई जगह पे ले जाया गया और 800 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर कृष्णा श्रीनिवास के अनुसार 8 मई को 305 लोगों को किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में और 121 लोगों को अदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसके साथ ही साथ 128 लोगों को पूरी तरह से सही होकर डिस्चार्ज किया गया। इस लीकेज का बेसिक कारण बताते हुए विशाखापट्टनम के ACP ने कहा कि क्योंकि COVID-19 के लॉकडाउन के वजह से फैक्ट्री 40 दिनों से बंद पड़ी थी, जिसके कारण फैक्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शन और टैंक के अंदर हीट जनरेट हुआ, जिसके कारण 5000 टन के 2 टैंकों से लीकेज होने लगा। अब अगर हम बात करें इस एलजी पॉलीमर फैक्ट्री की, तो इस फैक्ट्री का इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। ये फैक्ट्री चूंकि काफी पुरानी है, इसको पहले हम लोग हिंदुस्तान पॉलीमर कहते थे, बाद में इसको मैकडोवेल एंड को के साथ मर्ज कर दिया गया और लास्टली 1997 में साउथ कोरियन कंपनी एलजी केमिकल ने इस फैक्ट्री को लेकर रीनेम कर दिया एलजी पॉलीमर से। ऐसे पॉलीमर फैक्ट्रीज में बेसिकली पॉलिस्ट्रिंग बनते हैं। पॉलिस्ट्रिंग एक तरह की वर्सेटाइल प्लास्टिक है जिससे बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल CD and DVD केस, फूड पैकेजिंग, एग कार्टून्स, पोल्ट्री ट्रे, लेबोरेटरी वियर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर पार्ट्स। अगर बात करें विजाग के इस पॉलीमर फैक्ट्री की, तो यहाँ पॉलिस्ट्रीन जो बनते हैं उससे कप एंड कटलरीज, फैन प्लेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बात करें इस फैक्ट्री में स्टायरीन का यूज कैसे होता था, तो इस फैक्ट्री में बेसिकली पॉलीमराइजेशन होता था। पॉलीमर किसी भी सिंगल यूनिट, जिसे कि हम लोग मोनोमर कहते हैं, का कॉम्बिनेशन होता है और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टायरीन एक तरह का मोनोमर है, जिसके पॉलीमराइजेशन के बाद जो प्लास्टिक प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसे हम लोग पॉलिस्ट्रीन या स्टायरोफोम कहते हैं। स्टायरीन जो कि पॉलिस्ट्रीन का मोनोमर है, इसके प्रोडक्शन के लिए हम लोग इथाइल बेंजीन का यूज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी इसमें काफी हीट अब्सॉर्ब होती है। इसमें इथाइल बेंजीन को 600 डिग्री सेल्सियस पर डिहाइड्रोजिनेट करते हैं, यानी इससे हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और उसके बाद जो भी ऑब्टेन होता है उसे स्टायरीन कहते हैं। और इस गैस के लीकेज से विगाज में ये दुर्घटना हुई है। स्टायरीन की प्रॉपर्टीज पर ध्यान दें तो ये कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है।
अगर किसी के अंदर ये स्टायरिन कम मात्रा में जाता है तो इससे सिर में दर्द, चक्कर आने की शिकायत होती है, साथ ही साथ वीकनेस और नर्वस डैमेज आदि भी समस्याएं हो सकती हैं। स्टायरिन की प्रॉपर्टीज पर ध्यान दे तो ये कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। अगर किसी के अंदर ये स्टायरिन कम मात्रा में जाता है तो इससे सिर में दर्द, चक्कर आने की शिकायत, वीकनेस और नर्वस डैमेज आदि समस्याएं भी हो सकती हैं। बट हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव जो कि यूएस बेस्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क प्लेस से रिलेटेड सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर पर काम करती है के अनुसार अगर स्टायरिन किसी भी बॉडी में एक मात्रा से अधिक हो जाता है तो उससे डेथ भी हो सकती है। बात करें करंट सिनेरियो की तो 9 मई को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एनजीटी एक्ट के अंतर्गत एलजी पॉलीमर्स पर ₹50 करोड़ का फाइन लगाया है और साथ ही साथ आरोप भी लगाया है कि विशाखापट्टनम के विजाग गैस पॉलीमर्स ने ग्रीन रूल्स का उल्लंघन किया है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था नेशनल ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत, जिसका मेन एम था कि जो भी केसेस एनवायरमेंट इशू के अंतर्गत आए उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। ये आर्टिकल 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से प्रेरित हुआ है और ये एश्योर करता है कि सारे इंडियन सिटीजन्स को हेल्दी एनवायरमेंट मिले। किसी भी फैक्ट्री को ऑपरेट करने के लिए एक एनवायरमेंट क्लीयरेंस चाहिए होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री से उतना ही पॉल्यूशन और टॉक्सिक वेस्ट या गैसेस जनरेट होगी जितना कि एनवायरमेंटल पॉलिसी में मेंशन है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार इस एलजी पॉलीमर फैक्ट्री ने 1997 से 2019 के बीच इस फैक्ट्री में बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस के चलाया है और एक एफिडेविट भी सामने आई है जिसमें कंपनी में ये बात एडमिट की है कि हाँ उन लोगों ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस लिमिट को इंक्रीज किया था, वो भी बिना परमिशन के। चिंता की बात यह है कि इन 22 इयर्स में इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी पहले से काफी बढ़ गई है जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग इसके हार्मफुल गैस से इंपैक्ट हुए हैं। इस घटना के साथ साथ दो और घटना सामने आई हैं। पहला, छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेपर मिल में गैस लीक होने के कारण 7 वर्कर्स हॉस्पिटलाइज हुए हैं और दूसरा तमिलनाडु के एक थर्मल पावर स्टेशन में बॉयलर ब्लास्ट होने के कारण 3 लोग इंजर्ड हो गए हैं। इसी के साथ ही हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।